सो हेलो एवरीवन, आज है स्टैटिक जीके फॉर एफकेट एंड सीडीएस की पहली क्लास। सो आज जो कवर करने वाले हैं हम टॉपिक वो है बिगेस्ट स्मॉलेस्ट लोएस्ट हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट थिंग इन इंडिया एंड दी वर्ल्ड। सो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंडिया के सारे लार्जेस्ट जितने भी चीजें हैं वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं जितनी भी स्टैटिक जीके में आती है। सो नंबर वन, बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया इज द कैलाश टेम्पल केव 16 इलोरा केव। सो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, बिगेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया इज द जामा मस्जिद एट दिल्ली। सो बिगेस्ट मॉस्क्यू जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मॉस्क्यू जो है वो कौन सा है? दिल्ली के अंदर में जामा मस्जिद, ये देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। नेक्स्ट, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया इज द मोटेरा स्टेडियम और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। कहाँ है ये स्टेडियम? ये स्टेडियम गुजरात के अंदर में है। डीपेस्ट रिवर वैली इज दी भागीरथी एंड अलकनंदा। ओके, रिमेम्बर दैट। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इज दी वेस्ट बंगाल। विच इज द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट? वेस्ट बंगाल इज दी डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। यू हैव टू रिमेम्बर दैट। हाइएस्ट डैम इज दी तेहरी डैम which is in the height of 260.5 meter. Next, fastest train in India is the Gatiman Express between Delhi and Agra. So, fastest train in India is Gatiman Express between Delhi and Agra. आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि Delhi is the capital of India और Delhi के अंदर में ही सबसे जो fastest train है best चीज होनी चाहिए। So, Gatiman Express running in Delhi and between Delhi and Agra, that is the fastest train in India. Next, highest airport in India is in Khusuk Bakula Rinpoche Airport in Leh. Highest award in India. So, highest civilian award in India is Bharat Ratna. You can see here, Bharat Ratna is the highest civilian award in India. हाईएस्ट बैटल फील्ड इन इंडिया, हाईएस्ट बैटल फील्ड इंडिया के अंदर में का कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन इंडिया। इनफैक्ट सियाचिन ग्लेशियर जो है वर्ल्ड की भी हाईएस्ट बैटल फील्ड है। नेक्स्ट, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज द परमवीर चक्र। नेक्स्ट कौन सा होता है? अशोक चक्र। उसके बाद कौन सा होता है? महावीर चक्र। ओके, सो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज परमवीर चक्र। आप देख सकते हैं परमवीर चक्र कुछ इस तरीके से दिखता है, ब्रॉन्ज कलर का। हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया इज बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी। आपको पता है बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? जब उसने गुजरात पे अपनी जीत हासिल की थी तब। ओके, नेक्स्ट, हाईएस्ट लेक इन इंडिया इज द डियोताल लेक, इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2 काराकोरम 2 काराकोरम रेंज ऑफ हिमालय इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। बट अगर हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट पीक इन इंडिया की, सो वो होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज काराकोरम 2 यानी कि माउंट K2 एंड उसकी हाइट है 8611 मीटर। नेक्स्ट, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज घुम रेलवे स्टेशन। घुम रेलवे स्टेशन इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन यानी कि हाइट में घुम रेलवे स्टेशन इज द हाईएस्ट। नेक्स्ट, हाईएस्ट रेनफॉल स्टेट इज द माइंसराम मेघालय। स्टेट की बात करें तो मेघालय एंड मेघालय के अंदर में देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज माइंसराम, दैट इज द पॉइंट जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल देखा जाता है पूरी इंडिया में। इन फैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जहां देखा जाता है वो माइंसराम ही है। माइंसराम में सारे जो बादल है बोलो बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स वहां पे आके पूरा अपना बादल बारिश करता है। ओके, सो माइंसराम में सबसे ज्यादा बारिश देखी जाती है मेघालय के माइंसराम जगह पर। नेक्स्ट, हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स यानी कि जहां पर हम लोग गाड़ियां चला सकते हैं, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स है वो किस किस चीज को कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट द विलेज ऑफ चुंसमन एंड डैम चौक विच आर नियरली 230 किलोमीटर फ्रॉम लेह। ओके, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज दी
कुचुकली फॉल्स इन कर्नाटका, दैट दिस इज द कुचुकली फॉल्स दैट लाइज इन कर्नाटका. नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट केव इज द क्रिम लत प्रहार इन मेघालय. किम लत प्रहा इन मेघालय, इट इज द लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया. सो नेक्स्ट, हाईएस्ट टाउन इन इंडिया इज कुतुब मीनार एट दिल्ली. इसकी हाइट कितनी है? 72 मीटर. इट इज द हाईएस्ट टाउन इन इंडिया. नेक्स्ट, बिगेस्ट कैथेड्रल इज द मेडक कैथेड्रल अंडर द चर्च ऑफ साउथ इंडिया. बिगेस्ट कैथेड्रल इज द मेडक कैथेड्रल अंडर द चर्च ऑफ साउथ इंडिया. लार्जेस्ट डेल्टा इज द गंगास डेल्टा. गंगास डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा. और ऐसी कौन सी रिवर है जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती है? नर्मदा रिवर. ओके, याद रखेंगे. लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया. लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज द कच्छ डिस्ट्रिक्ट. कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लाया करता है? कच्छ इज इन गुजरात. सो कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. लार्जेस्ट डोम इन इंडिया इज द गोल गुम्बजर एट बिजपुर. लार्जेस्ट डोम इज द गोल गुम्बजर एट बिजपुर. फ्रेश लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज द वुल्लार लेक. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज द वुल्लार लेक. एंड वुल्लार लेक इज द ओनली फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. नेक्स्ट, ओके, लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया इज द गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? पंजाब के अंदर में है. इट इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा पंजाब अमृतसर. ओके, लॉन्गेस्ट लेक इज द विम्बंद लेक. इज द लॉन्गेस्ट लेक और ये कहाँ पे है? केरला के अंदर में विम्बंद लेक है. दैट इज द लॉन्गेस्ट लेक. लार्जेस्ट लेक सलाइन वाटर. सलाइन वाटर मीन्स सॉल्ट वाटर. लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इज द चिलिका लेक. दैट इज इन ओडिशा. बिगेस्ट मैन मेड लेक इज गोविंद बल्लभ पेंट सागर लेक. दैट इज इन उत्तर प्रदेश. बिगेस्ट मैन मेड लेक इज द गोविंद बल्लभ पेंट सागर लेक इन उत्तर प्रदेश. लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया इज इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता. लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया इज इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता. लार्जेस्ट प्लेनिटेरियम इन इंडिया इज बर्ड प्लेनिटेरियम. लार्जेस्ट प्लेनिटेरियम इन इंडिया इज बर्ड प्लेनिटेरियम. यू कैन सी हियर. ओके, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी इज मुंबई. आमची मुंबई. लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी इज मुंबई. ओके, लार्जेस्ट पोर्ट इज मुंबई पोर्ट बाय साइज एंड शिपिंग ट्रैफिक. ओके, लार्जेस्ट पोर्ट इज मुंबई पोर्ट. सबसे बिजी पोर्ट है ये पूरी इंडिया के अंदर में. लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, लार्जेस्ट रिवर इन आइसलैंड इज मजूली आइसलैंड. एक्चुअली मजूली आइसलैंड को मजूली आइसलैंड इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो वर्ल्ड बिगेस्ट रिवराइन आइसलैंड है. ओके, मजूली आइसलैंड इज द वर्ल्ड बिगेस्ट रिवराइन आइसलैंड. नेक्स्ट, लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इज द नर्मदा रिवर. अभी बताया था लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इज द नर्मदा रिवर. लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इज राजस्थान. राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है इन इंडिया. लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन. पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस कौन से स्टेट की है? दैट इज उत्तर प्रदेश. इससे पहले बिहार था, अभी उत्तर प्रदेश है. लार्जेस्ट जू इज द श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क तिरुपति आंध्र प्रदेश. सो सबसे बड़ा जू श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क इन तिरुपति आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया इज द मराइन बीच. दैट इज इन चेन्नई. लार्जेस्ट कैनल इन इंडिया इज द इंदिरा गांधी कैनल और राजस्थान कैनल. आप देख सकते हैं दैट इज द लार्जेस्ट कैनल इन इंडिया. ओके, लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर स्पैन ब्रिज इज द हावड़ा ब्रिज. आप देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज ये कोलकाता के अंदर में है. नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट डैम अर्थन इज द हरिकोट डैम. लॉन्गेस्ट डैम इज द हरिकोट डैम. नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल इज बिटवीन चेलोपाली एंड रायपुर रेलवे स्टेशन. सो दैट इज इन आंध्र प्रदेश. दैट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल. ओके, नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट हाईवे इज NH-44. लॉन्गेस्ट हाईवे इज द NH-44. दैट इज फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी. नेक्स्ट,
ओके, लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यहाँ पे देख सकते हो इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इज फ्रॉम आसाम टू कन्याकुमारी, दिबंग कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, अब यहाँ पे देख सकते हैं दिबंग टू कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, दैट इज द विवेक एक्सप्रेस, ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, ढोला ढोला सादिया ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज द गंगा, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया, द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया इज यमुना। लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया दैट इज अटल टनल, अटल टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया ऑन द हाईवे। ओके, नेक्स्ट, ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया इज द सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया इज गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन इज सिक्किम। लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। स्टेट विथ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट, स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ इंडिया, टॉलेस्ट स्टैच्यू इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, सो इसी के साथ हमारे इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट चीजें खत्म होती है। एंड थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड की चीजें अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे।